व्हाइट कलर का घोड़े का जोड़ा, सफेद रंग के घोड़े का जोड़ा। अब घोड़ा अपने आप में क्या काम करता है? घोड़ा अपने आप में स्पीड है, एजिलिटी है, ठीक है, क्विक, वेरी क्विक। तो और सफेद रंग का घोड़ा, सफेद रंग का है, सफेद रंग चंद्रमा को रिलेट करता है। अगर चंद्रमा को वहां पे स्टैब्लिश करना है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, अगर हम इसको लगाते हैं नॉर्थ और वेस्ट में, तो हमारे को बैंकिंग फाइनेंशियल पोजिशन से या सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग है, धन का कारक भी है। घोड़े घोड़ों में स्पीड होती है, घोड़े में घोड़ा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग एलिमेंट, मतलब उसमें जानवर में माना जाता है। सफेद रंग का चंद्रमा को रेट करता है, तो इसलिए वहां पे इसको पोजीशन किया था नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, ताकि हमारे को नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, ताकि हमारे को बैंकिंग सपोर्ट मिले, बैंक से सहायता मिले। एक्चुअली इसको नॉर्थ वेस्ट में लगाना चाहिए, टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी इसको लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में जब लगाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, अगर किसी घर के अंदर किसी रिलेशनशिप के अंदर क्लेश होता है बिकॉज ऑफ दी कंपेटिबिलिटी बिटवीन दी टू कपल, तो उसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगाए। अगर तो धन की स्पोर्ट, क्योंकि वो घोड़े में क्षमता भी, मतलब एक रिलेशनशिप क्षमता भी एक मानी जाती है, तो वो नॉर्थ नॉर्थ और स्पीड और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी वहां पे। अगर किसी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट का चाहिए या एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, तो उसको नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। चंद्रमा इसका प्लैनेट है, फ्लोर पे इसको रखा जाता है। अगर तो इसका घोड़े का जोड़ा स्टैचू के रूप में है, तो उसको फ्लोर पे रखा जाता है। अगर घोड़े का जोड़ा तस्वीर के रूप में है, तो उसको टांगा जाएगा, लेकिन स्टैचू वाला काम ज्यादा करता है बनस्पत वॉल वाली हैंगिंग के। वॉल हैंगिंग में इतना दम नहीं होता। वाटर और स्पेस इसका एलिमेंट है। अगर ये घोड़े लगाते हैं, तो हमें एक साउथ वेस्ट में चेस बोर्ड भी लगानी चाहिए। अभी चेस बोर्ड साउथ वेस्ट में ही, अभी तक वेस्ट में हमने पिछली बार की थी, नाउ इट इज कमिंग टू साउथ वेस्ट में चेस बोर्ड लगाए। 12 12 घोड़े का जोड़ा साउथ में लगाए, 12 घोड़े का जोड़ा साउथ में लगाए, और एक ग्रीन कलर की लैंडस्केप सीनरी को नॉर्थ में लगाए, अगर हम इसको लगा रहे हैं। दिस विल हेल्प टू मेक ऑर्गेनाइजेशन बिगर एंड स्ट्रोंगर, ठीक है, ये उसके लिए इसको रेमेडीज को साथ में एड ऑन करें इसके। हाँ, सर ये जो 12 घोड़े साउथ में वो रेड वाले ही है लाल वाले, साउथ में तो लाल ही लगेगा, ठीक जी सर, है, और ग्रीन लैंडस्केप सीनरी नॉर्थ में, नॉर्थ। ठीक है। अच्छा जी, आप क्या पढ़ रहे हो साथ में? नोट से निकल रही हूँ। मतलब दोबारा से उसको रीड आउट कर रहे हो कि सही लिखा गलत लिखा? हाँ ठीक है, ओके। तो व्हाइट घोड़े समझ में आ गए आपको? व्हाइट घोड़े का नवी? अब व्हाइट घोड़ों के बाद लेते हैं, व्हाइट घोड़े ही 12 जो 12 यानी कि 12 घोड़े का सेट सफेद रंग के घोड़े का। अगेन अब ये क्या करेगा, इसका जो पर्पज है वो है एक स्पीड को लिफ्ट करना, एक बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड को देना, ताकि फाइनेंशियल गेन इन्वेस्टमेंट की स्पीड बढ़े, इंप्रूव हो, एक अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव करे। ऐसे में इसको हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ की तरफ रखेंगे, N3 N4 की तरफ रखेंगे। ये भी स्टैचू के रूप में होगा, इसको मतलब स्टैचू के रूप में बोलेंगे या इसको आकृति के रूप में बोलेंगे इसका। इनको जो ना जो तस्वीर के रूप में लगाते हैं ना, उसका कोई खास इम्पेक्टफुल नहीं है वो। बहुत सारे लोग तस्वीर के रूप में लगा लेते हैं, बट बहुत फायदेमंद चीज नहीं है वो। अगर इसको लगाना ही है तो स्टैचू के रूप में लगाए, और इसका जो फेस होता है सेंटर ऑफ बिल्डिंग की तरफ रखे, हमेशा भरमसाल की तरफ रखे। चंद्रमा इसका एलिमेंट है, चंद्रमा इसका प्लैनेट है, वाटर इसका एलिमेंट है। तो इसके अभी जब भी लगाए 12 घोड़े भी अगर लगाते हैं, तो 12 घोड़े में भी ऊपर वाले का ध्यान रखें, वो जरूर लगाए।